स्टूडेंट, वेलकम टू उत्तरीन अकेडमी। माय नेम इज मनोज शर्मा एंड वी वर स्टडिंग 6.2 डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एक्स लाइक। ओके, सो अगर यू डिडंट वॉच द माय फर्स्ट वीडियो ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट वीडियो मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट यू मस्ट वॉच दिस। बिकॉज अगर आप लोगों ने अगर ये डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं है तो वो पता होना चाहिए आपको। अगर वो नहीं पता है तो ये वीडियो वेस्ट है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या है, वेस्ट है। ओके, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, तो उसको ज़रूर देखना इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा उसका मतलब क्या होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू दैट द फंक्शन एफ एक्स मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, ये प्रूव करना है कि नॉट डिफरेंशियबल है, मतलब डिफरेंशियबल तो है ही नहीं, नॉट डिफरेंशियबल क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो प्रूव करते हैं। फर्स्ट देखो, ये फंक्शन है, मोड में फंक्शन है, इसकी टू वैल्यूज़ होंगी। टू वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, एक तो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होगा, वेन एक्स लेस देन ज़ीरो, जब x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी, मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, तभी तो नेगेटिव आएगा फंक्शन। ओके, ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, किसके, इसके मोड एक्स, मोड एक्स की टू वैल्यूज हो जाएंगी, और ये क्या अपना फंक्शन है। एंड सेकेंड वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जब ग्रेटर देन जीरो मीन्स जीरो से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसके वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इन टू फंक्शंस पे एक्स इक्वल टू क्या जीरो पे चेक करना है डिफरेंशिबिलिटी। तो डिफरेंशिबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिट जीरो नेगेटिव एफ एक्स, सॉरी देखो, एफ ए माइनस एच एफ सी अपॉन माइनस एच इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं उधर शायद आपको दिखेगा नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को आपको प्रूव करना है। ओके, यहाँ माइनस एच है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो मैंने वापस से रिपीट कराऊँ, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इसका, डिफरेंशिबिलिटी का, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिबिलिटी का मेरा वीडियो है, वो नहीं देखा है तो देखिए जरूर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, एक ही वैल्यू क्या है, पर जीरो पर चेक कर रहा है, नेगेटिव मीन्स वो वाला फंक्शन लेंगे, दिस वन। ओके, अब देखो इसमें पहले पुट करने से पहले अपने को पता होनी चाहिए एफ ए माइनस एच की वैल्यू, एफ ए माइनस एच। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, पहले तो ये बताओ, फंक्शन यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि लेस देन जीरो की बात कर रहा है, ये लेस देन जीरो, जीरो नेगेटिव मीन्स क्या होता है, लेस देन जीरो। ओके, तो कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे माइनस एक्स। ओके, ठीक है, यूज़ कर लिया, तो इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ हैं, एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, एफ सी की, ठीक है, एफ सी की मीन्स एफ जीरो, सी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ए की वैल्यू क्या है, पर ज़ीरो, देखो यहाँ सी है ए है। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है पर जीरो, जो एक्स की वैल्यू होती है वही ए की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एफ जीरो माइनस एच मीन जो फंक्शन लिया उसमें वैल्यू रखनी है अपने को, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको, जीरो माइनस एच पुट करनी है, अंडरस्टूड। और इसके अंदर क्या पुट करना है, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, तो माइनस जीरो, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई एच एंड दिस वन इज जीरो, गॉट इट। तो उसमें पुट कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो, देखो अभी इसको करना है s टेंस टू, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है। एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई अपने पास h, माइनस एफ ए, एफ ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास जीरो, अपॉन माइनस h। ओके, गॉट इट। सो लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन
माइनस एच मीन्स ये कितना आ गया आपने पास माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास माइनस वन, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ओके मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, लिमिट, पहले तो ये चूज करना है आपको कि राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन कौन लेना है। अब जी एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है, एक्स ग्रेटर देन जीरो ये वाला फंक्शन ही है, तो क्या लेंगे एक्स, अंडरस्टूड, एक्स लेंगे तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस एच की वैल्यू मीन्स जीरो प्लस एच, तो यहाँ पर जो फंक्शन लिया आपने, अपन ने उस क्या पुट करना है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच पुट कर दो, ये कितना आ गया एच, ओके। और यहाँ जो सॉरी एफ जीरो एफ ए, तो एफ जीरो की पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जीरो, इसमें पुट कर दो आप, लिमिट एस टेंस टू जीरो करना है उस वाले में पुट कर रहे हैं अपन इसमें, ठीक है ओके। तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है एच, माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है जीरो, अपॉन में क्या है एच, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका एच अपॉन एच हो जाएगा, सॉरी लिमिट एस टेंस टू जीरो एच अपॉन एच मीन्स वन, तो ये क्या आ गया वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ओके समझ में आया, देखो समझ में आया तो लाइक करो अभी के अभी लाइक करो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, अपन मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, ठीक है ओके। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर थ्री, वी हैव टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स मीन्स जीरो एंड वन पे चेक करना है ओके। सो दिस इज द फंक्शन, अब देखो ये फंक्शन क्या है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू समझ में आया, टू समझ में आया, तो अभी के अभी यस लिखो सर कि समझ में आया ओके। अब इसमें क्या है, ये फंक्शन है, इसमें मोड वैल्यूज है, मीन्स इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आएंगे। जैसे मैं इनकी बात करूँ, जैसे मोड एक्स है, सबसे पहले इसके फंक्शन बनाएंगे क्योंकि इसको तो वैल्यू ले नहीं सकते, अपन को कुछ फंक्शन नया बनाना पड़ेगा। अब इसकी टू वैल्यूज हैं, टू वैल्यूज हैं, एक तो माइनस में, ठीक है, टू वैल्यूज है, एक पॉजिटिव में होगा, पता है आप लोगों को एक्स माइनस वन, ये कब होगा जब एक्स लेस देन क्या वन होगा ओके। इसमें एक्स लेस देन वन लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, तो वन पे चेक करेंगे इसकी, जीरो पे नहीं करेंगे। तो जब एक्स लेस देन वन होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में आएगी इस फंक्शन की, व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन होगा तब ये वैल्यू आएगी, समझ में आई बात। देखो सीधी सी बात है, अगर x यहाँ वैल्यूज वन वन से छोटी, इसी किसका मतलब क्या है वन से छोटी, वन से छोटी मीन्स वन अपॉइंट टू, अगर इसमें वन अपॉइंट टू पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आ गई वन अपॉइंट माइनस वन अपॉइंट टू, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है एक नहीं, तो इसलिए अगर वन वैल्यूज पुट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी इसमें, ठीक है समझ में आ रही है बात। तो क्या आएगी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, वन से छोटी पुट करेंगे इसलिए ये लिया। अब अगर वन से ग्रेटर इक्वल की बात नहीं कर रहा, वन से ग्रेटर पुट करते हैं, वन से ग्रेटर पुट करते हैं मीन्स अगर टू पुट करते हैं, टू माइनस वन तो कितना आ रहा है वन, तो वन का वन ही रहेगा, ठीक है समझ में आ रही बात। तो समझ में आई बात ये दोनों फंक्शन कैसे लिखे मैंने। अब बात करते हैं मोड एक्स, मोड एक्स के टू वैल्यूज होती है आपको पता है, माइनस एक्स मैं बता चुका, एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इन दोनों से एक फंक्शन बनाना है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट है, अब इन दोनों को क्या आ रहा है प्लस हो रहा है, तो प्लस होके एक फंक्शन बनाना है अपने को वापस से इसका, ठीक है। तो फंक्शन ले लो, देखो सबसे पहले फंक्शन लेते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीरो से वन के चेक में, देखो एक बार नंबर लाइन पे बात कर लेते हैं, ये जीरो एंड वन मींस एक तो अपने को चेक करना है व्हेन एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मीन्स इन इधर जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उन पे चेक करना है, दूसरा इक्वल टू जीरो पे भी चेक करना है कि एक्स इक्वल टू जस्ट इक्वल टू पे होगा जीरो पे तब क्या वैल्यू आएगी, दूसरा क्या चेक करना है इन दोनों के बीच में, इस दोनों का इंटरवल में जीरो एक्स की वैल्यू वन एंड जीरो के बीच में चेक करना है कि तब कितनी होगी, जीरो और वन के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करें तब इस फंक्शन का
वैल्यू क्या है ये। और जो लास्ट जो चेक करना है, वन से ग्रेटर, वन से ग्रेटर और वन के इक्वल, वन से ग्रेटर और इक्वल मतलब वन पे भी चेक करना है, वन से ग्रेटर जितनी वैल्यूज है अगर वो इसमें पुट करें तो क्या आंसर आएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, छोटी वैल्यूज़ पे बात करते हैं, इक्वल टू पे बाद में आएंगे। अब छोटी वैल्यूज़ एक्स जीरो से छोटी जितनी भी है नेगेटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी मतलब दोनों फंक्शन अपने को नेगेटिव यूज़ करने हैं। देखो एक्स लेस देन जीरो, एक्स ये वन, लेस देन वन, लेस देन वन का मतलब वन से छोटी, मतलब नेगेटिव भी आ गई इसके अंदर, जीरो भी आ गया, सब आ गया। तो इन दोनों को यूज़ करेंगे, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस वन एंड प्लस हो रहा है और माइनस एक्स। ओके, समझ में आई बात। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो माइनस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स और प्लस वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, क्या था माइनस एक्स, हाँ वन माइनस टू एक्स एट एक्स लेस देन जीरो। अब एक्स इक्वल टू जीरो पे बात कर लेते हैं, एक्स की जस्ट इक्वल टू जीरो पे अगर वैल्यू आ जाए तो देखो, अगर इक्वल टू जीरो की बात करें तो इक्वल टू इनमें से कोई सा फंक्शन नहीं है, मतलब सीधी जीरो वैल्यू पुट करेंगे, जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो मोड वन और ये जीरो, ठीक है, तो क्या आ रही है एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर इसको नेगेटिव रखें, अगर लेस देन जीरो वाली वैल्यू रखें तो माइनस वन, ठीक है, और जीरो, या तो ये आएगा, और पॉजिटिव वाला लें तो वन प्लस जीरो मीन्स वन आएगा, तो माइनस वन या वन आएगा, समझ में आ रही बात। तो इसमें अगर जीरो पुट करते हो एक्स इक्वल टू जीरो तो कितना आ रहा है, वन आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो ले सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या ले लिया, एक्स इक्वल टू जीरो वाला फंक्शन ले लिया। ओके, समझ में आ गई बात आपके, दोनों ले सकते हैं इसमें। अब चेक करते हैं व्हेन एक्स से दोनों के सेंटर में हो, इन दोनों के सेंटर में हो, ठीक है, सेंटर में होगा तब क्या होगा। देखो सेंटर में है इसका मीन दोनों के बीच में, मतलब एक तो प्लस में हो एक माइनस में हो, ये वाली सिचुएशन लेते हैं। सेंटर का मतलब होता है एक प्लस में ले लें एक माइनस में ले लें। जब एक प्लस में ले लें, सपोज फर्स्ट वाला माइनस में ले लेते हैं, माइनस वाला मतलब देखो जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला कौन सा फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला ये फंक्शन है, ठीक है, और एक्स लेस देन वन वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, तो ये दोनों फंक्शन यूज़ करेंगे, समझ में आ रही है बात। इस वाली कंडीशन में मीन्स ये माइनस एक्स माइनस वन और वो दूसरा वाला फंक्शन किस में करना है, प्लस में करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस एक्स प्लस वन प्लस माइनस एक्स, तो कितना आ गया वन आ गया, समझ में आई बात। ये फंक्शन क्यों लिए ये दोनों फंक्शन, ठीक है, क्योंकि अपने को एक्स ग्रेटर देन जीरो ये वाला, एक्स ग्रेटर देन जीरो इधर वाला, और एक्स लेस देन वन मीन्स ये वाला फंक्शन, समझ में ही बात। तो यहाँ क्या आ गया वन, तो इस कंडीशन में क्या आ गया वन। अब चेक करेंगे एक्स जब इक्वल टू वन हो या ग्रेटर देन वन हो, थ्री कंडीशन पे चेक करने, ठीक है, दो इंटरवल दे रखे हैं तो मतलब थ्री कंडीशन होगी, ठीक है। अब इस पे चेक करने हैं, मतलब एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन देखो किसी में नहीं है, चलो छोड़ो, एक्स ग्रेटर देन वन किस में, इसमें, ठीक है, तो उस वाले को तो प्लस वाले मिलेंगे, फर्स्ट वाले को तो प्लस, दूसरे वाले को किस मिलेंगे, अरे इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन की बात कर रहा है तो दूसरा भी पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो दूसरा भी इसमें होगा पॉजिटिव में होगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा वन प्लस टू एक्स, तो ये फंक्शन समझ में आए, तो ये तीनों फंक्शन कैसे क्रिएट किए मैंने, कैसे बनाए, ये समझ में आना चाहिए आपको, और इंटरवल भी समझ में आना चाहिए। ओके, तो समझ में आया तो लाइक करो अभी की अभी, इसको लाइक करो। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या अपना, लिमिट एक्स टेंस टू, सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं, मीन्स जीरो नेगेटिव एफ जीरो माइनस एच एफ जीरो अपॉन माइनस एच, समझ में आ रही बात, यही है अपना, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। जीरो लेस देन की बात कर रहा है तो कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, देखो ये भी आना चाहिए आपको कि फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, तो फंक्शन यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, एक्स जीरो से लेस देन की बात कर रहा है, ओके, लेस देन मीन्स ये वाला फंक्शन, और इन सब में तो ग्रेटर देन ही है, ठीक है, तो जीरो से ग्रेट लेस देन ये वाला फंक्शन है, मीन्स फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, ओके,
तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं 0 माइनस एच, 0 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, मीन्स इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है आपको, 0 माइनस एच, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये माइनस माइनस प्लस 2h हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई 1 प्लस 2h। अब कर लेते हैं F0, ठीक है F0, F0 कितना होगा, जहाँ 0 है वहाँ क्या पुट कर दो, x है वहाँ 0 पुट कर दो, कितना आ गया 1। ओके तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, लिमिट s टेंस टू 0 कर दो अब इसको, क्योंकि h की वैल्यूज पुट कर दी। F0 माइनस h की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस 2h, F0 की वैल्यूज क्या आ रही है, F0 की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन माइनस एच। ओके गॉट इट, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, ये एस से एच कैंसिल आउट, कितना आ गया -2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई -2। ओके समझ में आ गई, अब फाइंड कर लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके देखो इसको रफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव पे बात कर रहे हैं। 0 पॉजिटिव मीन्स एक्स, 0 पॉजिटिव मीन्स क्या हो रहा है, एक्स जीरो से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर किस में है, देखो यही वाली कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन 0, इसमें तो है ही नहीं, यही है, ये है नहीं, यही है, इसी की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर दे रखा है 1, तो अपने को ये वाली वैल्यूज तो वैसे क्योंकि एक्स ही नहीं है तो इनकी वैल्यूज़ क्या लिखेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है डायरेक्ट आप 1 ले सकते हो, ठीक है, कौन सा फंक्शन ले रहे हो 1 वाला, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, -2 और 1 इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरीवेटिव, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर तो डिफरेंशियबल नहीं है। अब चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, ओके x इक्वल टू 1, अब चेक करें x इक्वल टू 1 मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए क्या लेते हैं 0, सॉरी अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 पॉजिटिव, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पॉजिटिव मीन्स 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर ये वाली कंडीशन है, देखो ये तो लेस देन वाली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे, ये राइट हैंड डेरिवेटिव में मीन्स x ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर, 1 प्लस मतलब 1 से ग्रेटर, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 1 प्लस 2x। ओके वैल्यूज पुट कर दो, सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है एफ ए प्लस h, मतलब a की वैल्यू क्या है 1 प्लस h, तो यहाँ जहाँ भी है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे आप 1 प्लस h, x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 1 प्लस h, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 2h, कितना हो गया 3 प्लस 2h। ओके f 1 प्लस h की वैल्यू क्या आगे पास 3 प्लस 2h, आप फाइंड कर लो f है, f है मीन्स f 1 पे तो चेक कर रहे हैं, f 1 मीन्स जहाँ पर 1 है x है वहाँ की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो ये कितना आ गया आपके पास 3, फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h, a प्लस h की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2h, माइनस क्या है f है, f a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन h। ओके ये कितना हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये कितना हो गया, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया 2h, s से s कैंसिल आउट, कितना हो गया 2 बचा, तो क्या आ गया आपके पास 2 हो गया। ओके तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 2, अब चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, a नेगेटिव मीन लेस देन वाली की बात कर रहा है ये वाला, मीन्स कौन सा फंक्शन लेंगे 1, तो फंक्शन क्या आ गया 1, तो इसके आंसर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगेन नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दिस फंक्शन अगेन नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया, तो समझ में आया तो इसको लाइक करो, अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको कंप्लेंट है तो आप कमेंट करो हमारे नीचे, ठीक है, कि स्पीड ज़्यादा लग रही है या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करो।